वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी कौम नूं, अपने पंथ नूं ये जानकारी देना चाहुंना कि विरसा सिंह बलटोआ जो लगातार सिंह साहिबान के खिलाफ करदारकुशी कर रहे थे, उस खिलाफ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया। उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे करदारकुशी कर रहे हैं, खास तौर के उत्ते मैं निशाना बना के। और हुण उस वल्लों नीचता दीयां हद्दां जिहड़ियां वो पार कर दित्तियां गईयां, सुनेहे भजवाए जा रहे हैं, मेरे परिवार को नंगियां कर ले और मेरियां तीयां तक नूं फड़न ले। और ये गल्लां बर्दाश्त तो बाहर है। और सब तो वड्डी गल कि उहदी पुश्त बनाई श्रोमणी अकाली दल का सोशल मीडिया विंग कर रहे, और श्रोमणी अकाली दल के वो लीडर जिन्हां नूं टोनी टोनी कहा जाता, जिन्हां नूं पंथक परंपरावां मर्यादावां का उक्का ज्ञान नहीं, उहदी पुश्त बनाई कर रहे। विरसे बलटोए तो कोई असीं डरन वाले नहीं है, पर श्रोमणी अकाली दल के थर्ड क्लास के नेतावां का और सोशल मीडिया विंग वालों उहदी पुश्त बनाई करना ये मन नूं बहुत दुखी करता है। मेरी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो भी इस मामले च खामोश है, और इहो जी पोजीशन दे विच असी खास तौर पर मैं तख्त साहब की सेवारी कर सकती, क्योंकि जिते मैं जथेदार हाँ उत्थे धियां दा प्यो भी हूँ। इसलिए मैं पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अपना अस्तीफा भेज रहा और उन्हें कह रहा कि मेरा अस्तीफा प्रवान किया जाए। मेरी जात तक परखी जा रही, मैं थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भजवाए जा रहे, और ये निचता दियां हद्दां पार कर रही हैं। इन्ना घटिया इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचिया नहीं सी। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा जिन्होंने मैं पढ़ाया, मैं मुक्तसर साहब हैड ग्रंथी बनाया, मैं तख्श्री दमदमा साहब के जथेदार की सेवा सौंपी और श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार की इस डाची सेवा सौंपी। सिख संप्रदावान जथेबंदियां धार्मिक सभा सुसायटियां ने मेरे सिर पर पग रखी, और मैं उन्होंने माण के नाल कहना कि तुहाडी रखी पग नूं मैं बेदाग अपने घर लेके जा रहा, इहनूं दाग नहीं लगन दित्ता। जदों मेरे ते बीजेपी ते आरएसएस दे दल्ले वर्गे इल्जाम लाउण दा जिहड़ा नापाक कोशिश उहदी असफल रही, ते हुण उह घटिया दर्जे दीयां हरकतां जिहड़ियां उह कर रहा। बस मैं अपनी कौम नूं जानकारी देनी सी और मैं अपनी कौम तो माफ़ी मंगदा। इस सेवा दौरान जे कितें मेथों को गलती हुई हो, मेथों को किसी प्रति माड़ा लफ्ज बोलिया हो, मैं क्या मैं चाचक हाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरी संस्था है, मैं अपनी संस्था का हमेशा वफादार रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।